गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 में हमने सर्कल का कंस्ट्रक्शन किया था। अब इसमें आपको लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करनी है, एक्सरसाइज 14.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। इसमें आपको 7.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींचनी है यूजिंग अ रूलर, रूलर का यूज करना है, इसमें कंपास यूज नहीं करना है। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। तो उसमें आपको कंपास यूज नहीं करना है, जैसे नॉर्मली हम खींचते हैं लाइन स्केल को यूज करते हुए। ये स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा 7.3, यानी 7 के बाद 3 पॉइंट्स 1, 2, 3 यहाँ पे रख के आपको ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। इसको कुछ भी नाम दे देना है, ए बी एक्स वाई, और यहाँ पे उसका मेजर लिख देना है 7.3 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल था कि किस तरह से लाइन सेगमेंट खींची जाती है रूलर से, लेकिन हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंपास यूज करते हुए, तो वो आपको सीखना है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, यानी इसमें आपको राउंडर और ये यूज करते हुए करना है। इसमें हम एक पहले बिना माप की एक लाइन खींचेंगे, माना कि ये लाइन है एल। अब उसमें कोई भी पॉइंट एक लेंगे, यहाँ पे माना कि एक्स पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट से हम 5.6 सेंटीमीटर मेजर कंपास खोलेंगे, मेजर का 5.6, यानी 5 के बाद 6 छोटी लाइन, ये देखिए ये 5.6। उसके बाद जो आपने एक पॉइंट लिया था x, वहाँ पे रख के 5.6 का एक आर्क खींचना है और उसको कुछ नाम दे देना है y। तो ये जो आपका है कंस्ट्रक्शन हुआ लाइन सेगमेंट 5.6 सेंटीमीटर का। इसमें डायरेक्ट नहीं बनाते हैं जैसे ये वाला बनाया था हमने, इसमें हम पहले एक बिना माप की लाइन खींचते हैं, उस पर कोई पॉइंट मार्क करते हैं और उस पॉइंट से जो लेंथ दी हुई है उस लेंथ का आर खींचते हैं। तो वो एक्स वाई जो है वो 5.6 सेंटीमीटर का हमारा ये लाइन सेगमेंट बनता है। ये देखिए 5.6 यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजर है वो 5.6 है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह का है। थर्ड क्वेश्चन में ए बी लेंथ जो है उसकी 7.8 सेंटीमीटर है और फिर इससे आपको ए सी जो है वो 4.7 सेंटीमीटर का कट करना है और बी सी मेजर करना है। इसमें भी हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे बिना मेजर किए हुए, बिना किसी माप की। माना कि ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है जिस पे कि एक पॉइंट मार्क किया हमने ए। अब ए बी जो हमको बनाना है 7.8 बनाना है, यानी यहाँ पे रख के 7.8 का आर्क लेंगे हम, 5, 6, 7, 8, ये 7.8 हो गया। 7.8 यानी 7 के बाद छोटी 8 लाइन, और ए पे रख के ये 7.8 सेंटीमीटर का आर्क बनाया। ये जो होगा ये बी होगी, ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो 7.8 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको बोला है कि कट ऑफ ए सी, ए सी अब आपको कट करना है जिसकी की लेंथ 4.7 होगी, यानी ए से सी कट करना है 4.7। तो ये पहले तो 4.7 मेजर कर लेते हैं, 5, 6, 7, ये 4.7 है, और ए से 4.7 का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो वो यहाँ आता है, तो सी पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सी पॉइंट यहाँ आएगा, ए सी यहाँ लिख लेती हूँ मैं। तो ये ए सी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4.7 सेंटीमीटर है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 7.8 है। अब आपको बोला है कि बी सी मेजर करना है, यानी बी सी की लेंथ कितनी आती है, वो आपको मेजर करके बताना है। तो यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं, तो इस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। तो ये जो लेंथ आएगी BC की वो 3.1 आएगी, ये कितनी आएगी 3.1 सेंटीमीटर, यहाँ से B से लेके C तक। तो ये आपको चेक करना है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि 7.8 का पूरा था और 4.7 का हमने कट किया, तो बाकी कितना बचा 3.1, तो 3.1 सेंटीमीटर इसका मेजर आना चाहिए आपका भी, तो आपको 3.1 करना है। सबसे पहले मैं वापस बता देती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, माना कि वो लाइन है L बिना माप की, फिर एक पॉइंट मार्क करेंगे ए, इस पॉइंट से 7.8 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे और उसको बी नाम देंगे, फिर इसी पॉइंट से 4.7 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे उसको सी नाम देंगे, और ये बी सी को मेजर करेंगे। तो बी सी का मेजर जो है वो 3.1 आएगा, क्योंकि दोनों को माइनस करने पे जो वैल्यू आती है वो 3.1, तो आपका ये 3.1 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
गिवन ए बी ऑफ लाइन ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच देट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस देट ऑफ ए बी। इसमें आपको ए बी एक लेंथ 3.9 सेंटीमीटर का खींचना है, तो सबसे पहले हम नॉर्मली खींच लेते हैं 3.9, यहाँ से लेके ये 3.9 यहाँ तक, 4 से 1 पॉइंट पहले, ये 3.9 सेंटीमीटर का ए बी है। अब आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है पी क्यू, अब कंस्ट्रक्शन करना है तो बिना माप की हम पहले ये लाइन ड्रॉ करेंगे, माना कि ये एक लाइन एल है। अब इसमें एक पॉइंट लेंगे पी, क्योंकि पी क्यू ड्रॉ करनी है, पी पॉइंट लिया। अब हमको जो ये पी क्यू ड्रॉ करना है वो इसका ट्वाइस होना चाहिए ए बी का, ए बी का ट्वाइस यानी उससे डबल होना चाहिए, तो दो बार आर्क बनाएंगे हम। पहले तो इसको मेजर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 3.9 लेना है तो हम इसी को मेजर कर लेते हैं, ये 3.9 हो गया। अब 3.9 का डबल बनाना है, यानी पहला आर्क एक बार खींचेंगे, ये जो मेजर है उसका, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये डबल जो बनाना था उसको क्यू नाम देना है, क्योंकि हमको क्या बोला गया है कि डबल होना चाहिए। तो ये लेंथ क्या आएगी, ये पी क्यू की लेंथ जो है अगर आप देखेंगे तो ये डबल आएगी 7.8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसका डबल बनाना था, ट्वाइस बनाना था, ट्वाइस मतलब दो गुना उसका। तो आप अगर इसको मेजर करेंगे तो ये 7.8 सेंटीमीटर आता है, यहाँ पे आप करके देखिए आपका 7.8 आएगा, क्योंकि 3.9 इंटू टू करेंगे, ट्वाइस बोला है तो 3.9 इंटू टू, तो इसका आता है 7.8 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ट्वाइस बोला है तो यही आर्क जो हमने 3.9 का बनाया है उसको दो बार खींचना है, और फिर वो पी क्यू वहाँ पे क्यू आएगा, और पी क्यू की लेंथ जो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये पी क्यू की लेंथ जो आएगी यहाँ से यहाँ तक वो 7.8 सेंटीमीटर आएगा। नंबर 5, गिवन ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड सी डी ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर। यानी पहले आपको 7.3 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर की ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट रूलर से कंस्ट्रक्ट बनानी है, फिर कंस्ट्रक्शन करना है एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई का कि उसकी जो लेंथ हो वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो, और उसको फिर मेजर करके आपको चेक करना है कि इसके डिफरेंस के बराबर आ रही है कि नहीं। तो ठीक है, तो इसको करते हैं हम। पहले हमने ये ए बी 7.3 सेंटीमीटर की रूलर से ड्रॉ कर ली, और ये सी डी 3.4 सेंटीमीटर की रूलर से ड्रॉ कर ली। अब हमको क्या करना है कि एक कंस्ट्रक्शन करना है एक्स वाई लाइन सेगमेंट का। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले बिना माप की एक लाइन एल बना दी हमने, उस पर एक पॉइंट एक्स लिया। अब इसके डिफरेंस के बराबर होना चाहिए पहले, यानी हम क्या करेंगे कि ये जो ए बी है उसका मेजर लेके एक आर्क कट करेंगे यहाँ से एक्स पे रख के, तो ए बी का मेजर लेके कट किया। अब इसका डिफरेंस है, यानी अब सी से लेके डी को मेजर करेंगे, और उतना हम पीछे आएंगे क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है, ऐड तो हो नहीं रहा है, पीछे की तरफ हम एक आर्क बनाएंगे और इस पॉइंट को हम वाई नाम देंगे। अब ये एक्स वाई आपको मेजर करना है कि एक्स वाई की लेंथ क्या आ रही है, उसके डिफरेंस के बराबर आ रही है कि नहीं, वो वेरीफाई भी करना है। तो जब हम एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये 3 के बाद 9 छोटी लाइंस, यानी 3.9 आ रहा है, ये जो आ रहा है 3.9 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको अब हमको वेरीफाई भी करना है। तो हम 7.3 सेंटीमीटर माइनस 3.4 सेंटीमीटर करके देखेंगे तो इसका आंसर भी 3.9 सेंटीमीटर आता है, यानी हमारा जो डिफरेंस वाली लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है वो करेक्ट है, ये पॉइंट एक्स और वाई होंगे। फिर से बताती हूँ, 7.3 और 3.4 का ए बी सी डी ड्रॉ कर लेना है रूलर से, फिर एक लाइन खींचनी है बिना माप की, उस पर एक पॉइंट एक्स नाम देना है, एक्स से पहले ये ए बी का यहाँ पे खींचना है, फिर वापस क्योंकि डिफरेंस है तो रिवर्स में आना है पीछे की साइड 3.4 सेंटीमीटर, तो बाकी बचा हुआ जो होगा वो एक्स वाई होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर, उसका मेजर 3.9 होगा, और अगर आप माइनस करते हैं तो भी वो 3.9 आता है। ये एक्सरसाइज 14.2 फिनिश होती है, जो आपको नोटबुक में करके मुझे भेजनी है। थैंक यू।